गाइस हमारे शिनचैन को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और अपने शिनचैन को छुड़ाने के बदले हमें लॉस सैंटोस में छुपे हुए सारे के सारे हल्के लकी बॉक्सेस को ओपन करना होगा। अगर आप भी शिनचैन को उन गुंडों से बचाना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो ऑलराइट गाइस, जो हमारा यार हल्का पहला लकी बॉक्स होने वाला है ना, वो इसी झील के आसपास मिलने वाला है। भाई यहाँ पर फायर फाइटर्स आए हुए हैं, यहाँ पर आग वगैरह लगी हुई थी क्या, पता नहीं गाइस हमें इस बारे में। लेकिन गाइस हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारा शिनचैन है ना वो गुंडों के हाथों में फंसा हुआ है। और गाइस ये देखो, हमें फाइनली हमारा पहला हल्का लकी बॉक्स मिल चुका है। आज हम जल्दी जल्दी से सारे के सारे हल्के लकी बॉक्सेस को ढूंढ लेंगे ताकि हम अपने शिनचैन को बचा पाएं। गाइस अगर आप चाहते हो कि हम अपने शिनचैन को गुंडों के हाथों से बचा पाएं तो जल्दी से यार कमेंट करके बताओ कि कौन कौन आप में से शिनचैन को बचाना चाहता है। तो चलो फिर मैं जल्दी से हल्के इस वाले लकी बॉक्स को ओपन कर देता हूं। तो 3, 2, 1 फायर। तो गाइस ये देखो, हमें हमारे पहले लकी बॉक्स से वायलेट हल्क मिला है। और गाइस जिसकी जो आईज है ना वो इतनी ज्यादा डरावनी है कि रात को तो हम इसकी आंखों में देख ही नहीं सकते हैं। तो चलो आपको मैं वायलेट हल्क की यार कुछ पावर्स दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि जो हमारा वायलेट हल्क है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। गाइस इसके है ना कदमों को आप एक बार सुनो, मतलब कि जब ये दौड़ता है ना तो इसके कदमों की आवाज भी इतनी तेज आती है जैसे कि कोई बुलडोजर चल रहा है, इतना ज्यादा पावरफुल है। ओ भाई ये भागता हुआ कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। ओ गाइस ये देखो, हम थोड़े से भिड़े थे उस गाड़ी से और उसका क्या हाल हुआ, ये देखो भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। गाइस क्या आपने कभी फिल्मों में वायलेट हल्क देखा है या नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वैसे यार ये भागते हुए कितना ज्यादा डरावना लग रहा है और इसका पंच देखना, अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक है हमारा वायलेट हल्क। वैसे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इन वाले हल्क को यार लकी बॉक्सेस में किसने कैद किया। वैसे यार इनको जिसने भी लकी बॉक्स में डाला है ना वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। तो चलो गाइस अभी हमने यार अपने वायलेट हल्क को ढूंढ लिया है और अभी चलते अपने बाकी के लकी बॉक्सेस को ढूंढने के लिए, क्योंकि आज हमें जल्द से जल्द हल्क के सारे लकी बॉक्सेस को ओपन करना है। गाइज आप मेरे साथ साथ है ना बीच को एक्सप्लोर करते चलो ताकि अगर आपको कहीं पर लकी बॉक्स मिले तो आप जल्दी से मुझे बता सको। तो यार यहाँ पर तो नहीं है, पीछे तो नहीं था यार, यहाँ पर भी नहीं है। गाइज यहाँ पर पत्थरों में हो सकता है क्या, शायद यार वो कहीं पर भी हो सकता है। अरे गाइज वो देखो ये क्या है, एक बोट है और उसके अंदर, बोट के अंदर कोई भी नहीं बैठा है। और गाइस ये देखो बोट के अंदर हमारा हल्का लकी बॉक्स है। लेकिन यार उस बोट तक हम कैसे जाएं, मुझे लगता है कि हमें यार तैर कर जाना होगा। तो अपने लॉन्चर को अंदर रखता हूँ और जल्दी से पानी में तैरता हूँ और इस बोट तक पहुंचता हूँ। यार अगर ये वाली बोट यहाँ पर क्रैश हो जाती ना तो हमारा हल्का जो लकी बॉक्स है वो समुद्र के अंदर चला जाता और उसके बाद तो हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते। तो चलो फिर गाइस यार आज हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि हमें हल्का दूसरा लकी बॉक्स भी इतनी जल्दी मिल गया। और भाई यार ये वाला लकी बॉक्स भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो चलो जल्दी से इसे भी ओपन कर देता हूं। तो 3, 2, 1 फायर। गाइस यार लकी बॉक्स को ओपन करने के चक्कर में हमारी जो बोट है उसमें आग लग गई और वो पूरी तरह से क्रैश कर गई। लेकिन यार हमें उस बोट में मिला है हमारा न्यूक्लियर हल्क। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वेंस में है ना न्यूक्लियर पावर दौड़ रही है, मतलब कि जो इसके अंदर पावर है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनी हुई है। गाइस ये देखो इसकी आपको वेंस दिख रही है, वेंस के अंदर है ना अलग ही गामा रेडिएशन चल रही है जो कि इस हल्क को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसकी आईज देखो कितनी ज्यादा ग्रीन है, मतलब कि देखो भाई कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है दिखने में ही। तो चलो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम रोड के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको न्यूक्लियर हल्क की पावर दिखाऊंगा। अभी देखना गाइज ये देखो ये रेज बूस्ट इसका कितना ज्यादा ताकतवर है, मतलब कि गाड़ियों के हाल देखो, इस गाड़ी का क्या हाल हुआ है। और मैं अभी इससे भिड़ूंगा। अबे भाई यार ये वाला हल काफी ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसको यार संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। ये देखो मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, ये कितनी तेज दौड़ने लगता है। गाइज आप मुझे बताओ कि आपको जो ये न्यूक्लियर हल्क है वो कैसा लगा है। तो चलो फिर गाइज अभी हम यहाँ पर ट्रैफिक के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको इस वाले हल्क का रेज बूस्ट एक बार फिर दिखाऊंगा और फिर आप बताना कि ये हल्क कैसा है। अभी देखना क्या हाल होगा। ये देखो गाइज उस बाइक वाले का हाल देखा पीछे, मतलब कि वो कितनी दूर जाकर गिरा। अभी भाई इसमें तो आग ही लग गई इसकी बाइक का, मुझे लग रहा है कि इंजन फट चुका है। भाई यार ये वाला हल्क सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है, ये देखो जिधर भी जा रहा है ना उसी गाड़ी के इंजन में आग लग जा रही है। तो चलो गाइज अभी हमने न्यूक्लियर हल्क को भी ढूंढ लिया है और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले हल्के लकी बॉक्स को ढूंढने के लिए।
तो ऑलराइट गाइस, जो हमारा हल्का नेक्स्ट वाला लकी बॉक्स है ना, वो इस झरने वाली नदी के आसपास मिलने वाला है। लेकिन वो कहां पर है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे गाइस, ये वाली नदी है ना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वाली नदी में ना शार्क भी है, पिराना मछली भी है, और साथ में यहाँ पर क्रोकोडाइल्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो चलो गाइस, देखते हुए चलते हैं हमें यहाँ पर हल्का कोई लकी बॉक्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अरे गाइस, हमें डियर तो मिल चुका है, और अरे गाइस वो देखो, हमें हल्का लकी बॉक्स भी मिल चुका है। गाइस ये देखो, यहाँ पर क्रोकोडाइल है, तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकता। तो चलो फिर, हमने अपनी राफ्ट को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। लेकिन गाइस यार, मैं यहाँ पर काफी देर से देख रहा हूँ, ये वाला क्रोकोडाइल तो यार यहाँ से जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए यार मुझे लग रहा है कि मुझे इस वाले क्रोकोडाइल को खत्म करना होगा, तभी हम अपने हल्के लकी बॉक्स तक पहुँच पाएंगे। कोई बात नहीं यार, हमें मजबूरी में इस क्रोकोडाइल को खत्म करना होगा। तो चलो 3 2 1 फायर फायर। तो चलो गाइस, तो चलो यार फाइनली हमने उस वाले क्रोकोडाइल को खत्म कर दिया है, और वो पानी के साथ यहाँ से बह चुका है। तो चलो गाइस, आराम आराम से चलते हैं। भाई ये वाला हल्का लकी बॉक्स भी हमें मिल चुका है। यार ये देखो, क्रोकोडाइल की डेड बॉडी यहीं पर पड़ी है। मैं तो सोच रहा था कि वो यहाँ से जा चुका है। तो गाइस ये देखो, हमने फाइनली अपने थर्ड वाले हल्के लकी बॉक्स को भी ढूंढ लिया है। तो चलो अपना रॉकेट लॉन्चर निकालता हूँ और इसे भी जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। 3 2 1 फायर। गाइस ये देखो, हमें इस लकी बॉक्स से हमारा ग्रे हल्क मिला है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मस्कुलर है, और साथ में भाई इसकी जो आईज है ना, वो देखो बिल्कुल येलो कलर की है, सेम टू सेम वायलेट हल्क के जैसी। मतलब कि अगर इसकी आंखों में भी कोई रात को देख लेगा ना, तो वो एक बार तो हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो गाइस चलो इस वाले हल्क की पावर्स को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वाले हल्क में क्या स्पेशल है। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारा ये हल्क है, वो इस इतने बड़े वाले क्रोकोडाइल को उठा सकता है या नहीं उठा सकता। ये देखो गाइस, गाइस ये देखो, इस हल्क ने इतने बड़े क्रोकोडाइल को भाई कितना इजीली उठा लिया। तो आप समझ ही सकते हो कि ये वाला जो हल्क है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। भाई जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, वो काफी ज्यादा भारी होते हैं, और इसने तो देखो कैसे एक हाथ से उठा रखा है। तो चलो यार, इसे तो पानी में ही छोड़ देते हैं, ताकि ये पानी के साथ बह जाए और इसकी जो डेड बॉडी है वो आराम से खत्म हो जाए। तो गाइस आप सोच सकते हो कि जो हमारा ये ग्रे हल्क है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे मैं यहाँ से है ना एक जंप लगा कर देखता हूँ कि ये जो हल्क है वो कितनी दूर तक जंप लगा सकता है। ये देखो भाई, इतने बड़े पुल को इसने एक ही जंप में क्रॉस कर दिया। तो आप भाई सोचो, ये और कितनी बड़ी बड़ी जंप लगा सकता है। क्या हम यहाँ से कूदकर सीधा उस माउंटेन पर जा सकते हैं क्या? चलो उस वाले माउंटेन पर जाने की ट्राई करते हैं। ये देखो, अरे गाइस ये देखो, इसने कितना इजीली इस वाले माउंटेन को क्रॉस कर दिया। देखो भाई कितना बड़ा डिस्टेंस था, हम वहां से सीधा यहाँ पर जंप किए। और गाइस आप ये बताओ, क्या आपने आज से पहले ग्रे हल्क को कभी देखा था या फिर नहीं देखा था, कमेंट करके जरूर बताना। सो ऑलराइट गाइस, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन यार, हमें जो हमारा फोर्थ वाला लकी बॉक्स है वो यहीं कहीं मिलना चाहिए। लेकिन भाई ये वाला आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा है, और इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बाइक के साथ आया हूँ, ताकि मैं इस वाले आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पर पैदल आता ना, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। वैसे यार आप भी देखते रहना, कभी आपको दिख जाए या फिर मुझे ना दिखे, तो यार अगर आपको दिखे ना तो वो बता देना, ताकि हम जल्दी से हल्के लकी बॉक्स को ओपन कर पाए। भाई ये कितना बड़ा आइलैंड। अरे गाइस वो देखो, अरे यार ये तो कितना छोटा सा लकी बॉक्स है, मैं तो सोच रहा था कि ये वाला लकी बॉक्स बड़ा होगा। कोई बात नहीं गाइस, हम यहीं से अपनी बाइक को कुदा देते हैं, आराम से लैंड करवाएंगे। ये देखो गाइस, हमने कितना इजीली और स्मूथली अपनी बाइक को यहाँ पर लैंड करवाया है। और यार ये बताओ कि आपको मेरी ये वाली बाइक कैसी लग रही है। अरे गाइस ये देखो, ये तो भाई काफी ज्यादा बड़ा लकी बॉक्स है। एक्चुअली गाइस ये है ना, वहां से ऊंचाई से काफी ज्यादा छोटा लग रहा था, और अभी तक हमें जितने भी हल्के लकी बॉक्स मिले थे ना, उसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो हल्क होगा ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो जल्दी से अपने लॉन्चर को निकालते हैं और इस वाले लकी बॉक्स को भी ओपन कर देते हैं। तो 3 2 1 फायर। तो गाइस यार ये देखो, हमें इस वाले लकी बॉक्स से जो मैं सोच रहा था ना, वही मिला है। यानी कि ये वाला जो लकी बॉक्स था, वो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था, और इसीलिए उस वाले लकी बॉक्स से हमें मिला है हमारा थ्री हेडेड गॉड हल्क। वैसे यार ये जितना बड़ा है ना, उतनी खतरनाक इसमें पावर्स भी है। एक बार आप इसकी बॉडी देखो गाइस, इसके मसल्स है, और इसके जो ये थ्री हेड है ना, ये दिखने में इसको और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। तो चलो गाइस देखते हैं कि जो हमारा ये वाला हल्क है, ये पानी में तैर सकता है या फिर नहीं तैर सकता है। ये हमने लगाई पानी के अंदर जंप, और गाइस ये देखो,
ये और यार यहाँ का जो सी है ना वो इतना ज्यादा गहरा ही नहीं है कि वो हमारे हल को डूबो पाए, मतलब कि ये वाला हल कितना ज्यादा बड़ा है। यार मुझे ये डर लग रहा है कहीं हमारे भागने से ये ब्रिज ना टूट जाए। नहीं यार ब्रिज तो नहीं टूट रहा, लेकिन जो इस पे गाड़ी है ना वो देखो कितनी दूर जाकर गिर रही है हमारी वजह से। ये देखना अपनी गाड़ियों का क्या हाल होगा। वे भाई कितना खतरनाक है। ओ भाई इसका जो ये पंच था ना ये तो भाई काफी ज्यादा ही खतरनाक था। अभी यहाँ पर गाड़ी है, मैं यहाँ पर पंच मारता हूँ। ये देखो गाइज गाड़ियाँ कितनी दूर दूर जाकर उड़ रही हैं। तो अभी मैं चलता हूँ इस वाले हल को उन लोगों को देने के लिए, ताकि वो हमारे शिनचैन को छोड़ दे और हमारा शिनचैन वापस से हमारे पास आ जाए। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शिनचैन की और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर देना।